टर्न करा के लेके आते हैं। ये क्या था यार? फाइनली दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट आरसी कार भी मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। मेरा ड्रीम आज पूरा होने वाला है। अब निकालते हैं कार को। ये रही गाइस हमारी आर्मा लिमिटलेस आरसी कार। ये कल ही मेरे पास आ चुकी है, तो आज इसको अनबॉक्स करके फटाफट तरीके से टेस्ट करते हैं इसकी टॉप स्पीड कहां तक जाती है। तो दोस्तों ये आर्मा लिमिटलेस दो अलग अलग वर्जन में आती है, एक वर्जन 1 वर्जन 2। मैंने जो खरीदा है वो वर्जन 2 खरीदा है, इसलिए ये कार को आने में इतना ज्यादा लेट हो चुका है। बॉक्स को मैं रखता हूँ यहाँ पे। पहली चीज, ये जो कार है दूसरी कार के मुकाबले में काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो ये बॉक्स को खोलते हैं यहाँ से। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना गाइस, आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बॉक्स को मैंने कट कर दिया है, अब निकालते हैं सबसे ज्यादा फास्टेस्ट आरसी कार को। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, यहाँ पे हमारी आर्मा लिमिटलेस का प्राइस पता है 1,35,000 रुपीज है। भाई सच में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आरसी कार है, ये इंडिया में बिल्कुल भी नहीं मिलती है गाइस। इसको भी मैंने यूएसए से मंगवाया है। ये कार को निकालने के लिए दो दो लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत ज्यादा भारी भरकम बॉक्स है यार इसका। ये देखो गाइस कितनी ज्यादा कमाल की दिखाई दे रही है। भाई साहब सच बता रहा हूँ, हम लोग जितना सोच रहे ना उससे ज्यादा स्पीड चलेगी ऐसा मेरे को लग रहा है। बॉक्स के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं कि स्पीड सामने की तरफ दी गई है 110 माइल्स पर आवर। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे ना गाइस 180 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड जा सकती है। अगर आप इसको अपग्रेड करोगे ना तो इसकी स्पीड आप शॉक हो जाओगे देखने के बाद। यहाँ पे दिया गया है 150 माइल्स पर आवर। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे 220 से 230 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ शॉक हो जाओगे कम्प्लीटली। ये F1 बीटिंग मशीन है, यानी कि F1 आरसी कार को भी हरा सकती है। मैंने आज से पहले इतनी ज्यादा तेज आरसी कार बिल्कुल भी नहीं देखी है। इसकी सबसे खास चीज है इसके कॉम्पोनेंट्स। अगर आप इसको ज्यादा स्पीड में भी चलाओगे ना तो ये बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कार दूसरी कार से क्यों सबसे ज़्यादा अलग है। जब आप ये कार खरीदोगे ना तो देखो गाइस आपको इस तरीके की कार मिलती है। इसके ऊपर पेंट भी नहीं होता है, ना तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स दिए जाते हैं। सारी चीज़ें सेपरेटली खरीदनी पड़ती है और पेंट भी खुद को ही करना पड़ता है। मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर करा दी है। कार खरीदने के बाद इस तरीके की दिखाई देती है, बाद में आप इसको अपग्रेड करोगे ना तो इस तरीके की दिखाई देगी। इसको खरीदने के बाद मैंने कम्प्लीटली अपग्रेड करा दिया है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी लोड करा दिया है। ये बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है, इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें लगाई है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैंने मांबा मॉन्स्टर की ESC लगाई है, ये कैसल की तरफ से आती है, और ये भी कैसल की सेंसर्ड मोटर है, ये भी मांबा कैसल की है, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटर होती है। इसका KV आप देख सकते हो 2200 KV पे ये काम करती है। भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटर है ये। इसके कुछ पेपर्स है और कुछ पार्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, और एक स्पैनर भी मिलता है इसके टायर्स वगैरह खोलने के लिए, साथ में कुछ एलन कीज भी दी गई है। अब देखो गाइस इसके साथ रिमोट भी नहीं मिलता यार, रिमोट भी आपको सेपरेटली खरीदना पड़ता है, क्योंकि ये कार आप जितने पैसे लगाकर अपग्रेड करोगे उतनी ही ज़्यादा तेज चलती है। रेडियो लिंक का रिमोट कंट्रोलर है, इसको मैं बाद में ओपन करूंगा, पहले आपको कार दिखा देता हूँ कार कैसी दिखाई दे रही है। और बाप रे, फॉर्मूला 1 कार से तो खतरनाक ये मेरे को लग रही है। यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया है, कार बहुत ज़्यादा भारी भरकम है। सामने से इसका लुक देखो यार, ओ भाई पूरी की पूरी जो कार है एरोडायनामिकली डिज़ाइन की गई है। अगर इसके ऊपर हवा भी लगती है ना गाइस, देखो हवा सीधा ऊपर की तरफ चली जाएगी। कार की स्पीड इस वजह से बिल्कुल भी कम नहीं होती है। पीछे की तरफ भी देखो यार, इतना बड़ा स्पॉइलर दिया गया है और ये भी कम्प्लीटली एरोडायनामिकली डिज़ाइन है। नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो इसकी जो चैसिस है कम्प्लीटली मेटल की बनी हुई है। ये सारा का सारा पेंट जो है मैंने सेपरेटली करवाया है। पेंट भी इसका बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसका सस्पेंशन देखो यार कितना ज़्यादा मोटा वाला दिया गया है भाई। ओहो, ग्राउंड क्लीयरेंस नो डाउट बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये एक ऑन रोड कार है। हुंस बूट्स के व्हील्स लगे हैं सामने और पीछे की तरफ, और इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको ग्रिप वगैरह देखने को नहीं मिलती है। जस्ट यहाँ पे देखो यार छोटे छोटे खड्डे बने हुए हैं। अब इसका बॉडी कवर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें लगवाई है। ये देखो बैटरी भी मैंने इसके अंदर सेपरेटली लगवाई है। इसके अंदर आप चाहे तो 4S की एक बैटरी डाल सकते हो या फिर 3S के दो बैटरीज डाल सकते हो। आज
इसके अंदर सिर्फ मैं 4S की सिंगल बैटरी डाल के टेस्ट करूंगा। सिंगल बैटरी पे देखते हैं इसकी स्पीड कितनी ज्यादा जाती है। यहाँ पे कैसल मांबा का ESC है, ESC कम्प्लीटली ब्रशलेस है। और इस तरफ देखो गाइस, ये इसकी कैसल मांबा की मोटर है, ये ब्रशलेस मोटर है। और इसके गियर्स भी आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं भाई साहब। इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें लगाई है वो पहले बता देता हूँ। बैटरी सेपरेटली ख़रीदनी पड़ती है, मोटर सेपरेटली ख़रीदनी पड़ती है, ESC सेपरेटली ख़रीदनी पड़ती है, और ये जो डिजिटल सर्वो है इसको भी अलग से ख़रीदना पड़ता है। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ इस तरीके का टी रॉड भी मिलता है ताकि इसकी मजबूती ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ये इसका शाफ्ट है, कम्प्लीटली मेटल का शाफ्ट बना हुआ है। पीछे की तरफ और सामने की तरफ सेम साइज़ के इसके अंदर सस्पेंशन दिए गए हैं। यहाँ पे लाते हैं इसका रिमोट कंट्रोलर। ये रिमोट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है यार, क्योंकि इसके ऊपर देखो इस तरीके का डिजिटल डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। ये रेडियो लिंक का है, इसका मॉडल नंबर है RC4GS वर्जन 3 वाला रिमोट मैंने ख़रीदा है और ये 5 चैनल पर वर्क करता है। बॉक्स को यहाँ से खोल लेते हैं, ये ओपन हो चुका है बॉक्स। अब निकालते हैं रिमोट कंट्रोलर को। यह आ चुका है रिमोट, ये इसकी यूज़र गाइड है, ये इसका टैग है, और ये रहा हमारा रिमोट कंट्रोलर। भाई ये तो दिखने में आर्मा के रिमोट से भी ज़्यादा बढ़िया मेरे को लग रहा है। ये रिमोट ऑन हो चुका है, देख रहे हो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई है कार को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करने के लिए। तो अब इसको मैं पहली बार ऑन करने वाला हूँ। यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया है, ओके सही तरीके से इसके इलेक्ट्रॉनिक जो वर्क कर रहे हैं। अब इसको बंद कर देते हैं, अब इसकी एक बार स्पीड वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, चलाने वाला हूं अब मैं इसको। अरे बाप रे गाइस, मेरे को तो थोड़ी देर के लिए डर लग गया था यार इसकी आवाज़ सुनने के बाद। भाई सिंगल बैटरी में ये इतनी स्पीड चल रही है यार, अगर मैं डबल बैटरी डालूंगा ना दिमाग खराब हो जाएगा इसकी स्पीड देखने के बाद। चलो गाइस अभी इसको चलाते हैं। उससे पहले गाइस आर्मा लिमिटलेस के साथ रेस कराने के लिए 101 को मैं लेके आ चुका हूँ। अगर आज 101 हारेगी ना गाइस, इसके बाद में मैं फेलोनी ब्लैक बीस्ट की रेस कराने वाला हूं। अगर इन दोनों को मैं साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन करके बताऊं तो क्लियरली आप देख सकते हो 101 जो है लिमिटलेस के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा बल्की लग रही है, और ये भी बिल्कुल एरोडायनामिक आरसी कार है, और इसके अंदर भी जितने भी कॉम्पोनेंट्स लगे हैं वो कैसल मांबा के ही लगे हैं। इसके अंदर भी कैसल मांबा के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने लगाए हैं। तो बाकी गाइस रेस में देखते हैं दोनों में से कौन जीता। इसका स्पॉयलर जो है इससे थोड़ा सा छोटा है, और ये कार की बॉडी जो है इसके मुकाबले में थोड़ी सी कम मजबूत मेरे को लगती है। देखते हैं गाइस आज कौन सी कार जीतती है, और ये भी टेस्ट करेंगे लिमिटलेस की टॉप स्पीड सिंगल बैटरी डालने पे कितनी ज्यादा जा सकती है। आर्मा लिमिटलेस का फर्स्ट टेस्ट रन मैं करने वाला हूँ ये रोड के ऊपर। देखते हैं गाइस इसकी स्पीड कहाँ तक जाती है, उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। वाओ भाई ये तो रॉकेट की तरह यहाँ से निकल चुकी है, टर्न करा के लेके आते हैं। ये क्या था यार, इसकी स्पीड इतनी भयंकर है कि कार ही नजर नहीं आ रही है। भाई एक और बार मैं आपको बताता हूँ, ये देखो कार यहाँ से निकल चुकी है। ओ भाई स्पीड सच में यार इसकी काफी ज्यादा भयंकर है। अब एक और बार फुल स्पीड में इसको टेस्ट करते हैं। यार मेरे को लग रहा है कि इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक जा रही है। यहाँ पर थोड़ा सा कार अनकंट्रोल हो गई थी। ये क्या ही कड़क चीज है यार। तो यार मैं इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा था, ये ऑन ही नहीं हो रही है इसकी ऐसी की तैसी। गाइस यहाँ पे देख रहे हो ये कार इतनी ज्यादा फास्ट है कि यार ये बैटरी इसकी ऐसी की तैसी। गाइस यहाँ पे देख रहे हो ये कार इतनी ज्यादा फास्ट है कि यार ये बैटरी इसकी पावर को नहीं संभाल पा रही है। बैटरी यहाँ से कम्प्लीटली शॉक सर्किट हो चुकी है, और बैटरी काफी ज्यादा ओवरहीट भी हो चुकी है। ओ भाई हाथ जल गया यार, कि मोटर भी काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। एक्चुअल में इसके ऊपर एक कूलिंग फैन आता है, तो वो फैन मैं आने वाले दिनों में अपग्रेड करूंगा। तो अभी ये बैटरी को निकालते हैं यार, दूसरी बैटरी डालते हैं इसके प्लेस में। ओके दोस्तों अब इसके अंदर नई वाली बैटरी लग चुकी है, अब इसको दौड़ाते हैं रोड के ऊपर। इस बार देखते हैं इसकी टॉप स्पीड कहां तक जा पाती है। ये मैंने जैसे ही ट्रिगर दबाया कार दिखाई भी नहीं दे रही यार। मेरे हिसाब से गाइस इसकी टॉप स्पीड जो है 200 किलोमीटर काफी आराम से पार कर रही है, वो भी सिंगल बैटरी में। कार का ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, कार की स्पीड इतनी ज्यादा है कि ब्रेक देखो मैंने यहाँ पे लगाया था, हमारी कार जाके वहां पे रुकी है।
दोस्तों अब एकदम कड़क वाला मजा आएगा क्योंकि लिमिटलेस की मैं रेस कराने वाला हूँ 101 के साथ। देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। दोनों बुलेट की रफ्तार से यहाँ से निकल चुकी है। दोनों कार्स बिल्कुल परफेक्टली चल रही थी पर अचानक से देखो यार, तो इसकी रेस में 101 के साथ लगा ही रहा था उतने में ये कार फिर से बंद हो चुकी है। इसको ओपन करके देखते हैं इस बार इसके अंदर क्या दिक्कत आई है यार। ओके, ये नई वाली बैटरी इसके अंदर मैंने लगाई थी तो इसको भी देखो सेम सीन हो रखा है। यहाँ पे यहाँ से जो कनेक्शन है ये उड़ चुका है यानी कि शॉक सर्किट होकर ये निकल चुकी है। यार ये जो बैटरीज है इसकी पावर को नहीं संभाल पा रही है तो मेरे को नहीं लगता गाइस ये बैटरीज बिल्कुल भी कैपेबल है ये कार के साथ चलाने के लिए। देखो इसका कनेक्शन ना निकले, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर टेप वगैरह भी लगा रखा था फिर भी ये कनेक्शन यहाँ से निकल चुका है। अब इसके लिए मेरे को मॉन्स्टर बैटरीज मंगवानी पड़ेगी, वो भी इंडिया में नहीं मिलती है, उनको भी मेरे को यूएसए से मंगवाना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में इसकी रेस वापस से मैं 101 के साथ भी कराऊंगा, आर्मा फेलोनी के साथ भी कराऊंगा, आर्मा वेंडेटा के भी साथ करा के देखते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड। चलो गाइस अभी मैं देने वाला हूं शाउट आउट। पहला नाम है अथर्व, विशेष, चेतन, विवेक, सोहन, वेदांत, यशपाल, संजू, दीपक, आदर्श कुमार। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।